हो गया मैडम। थैंक यू। I'm so sorry. जानकी जी आप ठीक हैं? तो अब हम महाशिवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं। भगवान और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी। शिव जी भगवान आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जैसे आपके और पार्वती माता की जोड़ी है ना, वैसे ही जानकी जी और उनके पति की जोड़ी बना दीजिए। उन्हें फिर से अपने पति से मिला दीजिए प्लीज मेरे लिए। अब हम शादी के कार्ड को भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो लोग विवाह में आएं और वर वधु को आशीर्वाद दें कि माता पार्वती और भगवान शंकर की तरह इनकी भी जोड़ी हमेशा वैसी बनी रहे। श्री राम शास्त्री एवं उनकी पत्नी सविता शास्त्री अपने पूरे परिवार के साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को निमंत्रण देते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती आशीर्वाद देने के लिए पधारें हर्ष और जानकी को। क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी? एक मिनट कार्ड दिखाइए मुझे। भगवान शिव और माता पार्वती पधारे आशीर्वाद देने हर्ष और जानकी को। ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया। नहीं, किसने किया ये सब? ये सब इस जानकी का क्या धरा है? नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। नहीं, इसी ने बिगाड़ा है। ये शिवरात्रि की पूजा और हमारी शादी का शुभ काम। ये श्वेता कहीं गुस्से में उल्टा सीधा पककर हमारा पूरा खेल ना बिगाड़ दे। श्वेता पागल हो गई हो तुम? जानकी ऐसा भला क्यों करेगी? और वो तो शादीशुदा है। शादीशुदा औरत के बारे में ऐसे बोलना भी पाप है। हाँ मम्मी जी, आप सबको सारी कमी और गलतियां मुझ में ही दिखती है। ये जानकी तो दूध की धुली है। पर मैं बता दूं, जिसने भी ये काम किया है ना, ये ठीक नहीं किया। ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। This is very insulting. भाई जैसी करनी वैसी भरनी। शिखर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, ये मजाक नहीं स्टार्ट है। वो कहावत है ना, खोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। तू सबकी बेइज्जती करती फिरती है ना, आज महादेव ने तेरी बेइज्जती कर दी। ले महादेव जी, आपकी कैसी माया है कि श्वेता की जगह हमारा नाम। जाओ तुम जरा जाके श्वेता को देखो, वो अपसेट है। माँ वो बात बात पर अपसेट होती है, उसका क्या है? आप प्लीज रहने दीजिए। हर्ष तुम जाओ उसके पास, ये छोटी सी बात नहीं है। शादी के कार्ड पर उसका नाम ना होना और किसी और का नाम होना, इट्स वेरी अपसेटिंग। बिल्कुल। जाओ संभालो उसे, जाओ।
ये लीजिए आपकी दक्षिणा। राजेश प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते? कब तक ऐसी गलतियां करते रहोगे? एक मिनट राम, इसमें राजेश की कोई गलती नहीं है। वो तो आज महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती की कृपा हुई, चमत्कार हुआ है जो हर्ष की शादी के कार्ड पर जानकी का नाम छप गया। जय भोलेनाथ। और इस चमत्कार के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हर्ष और जानकी को तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता। ए मास, एक बात समझिए, ये सब हम नहीं करवा रहे, जो भी हो रहा है ना आपके पोते हर्ष की हरकतों की वजह से हो रहा है, इसलिए एक बात दिमाग से निकाल लीजिए कि हम उसे फोर्स कर रहे हैं। ज्यादती करके भी क्या कर लेगा बेटा, वो कहते हैं ना ये जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती, वो मेरे हर्ष और जानकी की जोड़ी ऊपर से ही बन के आई, इसीलिए आज महाशिवरात्रि की पूजा में हर्ष की शादी का जो पहला निमंत्रण हम शिव और पार्वती को अर्पण करने वाले थे उसमें श्वेता की जगह हर्ष के साथ मेरी जानकी का नाम छपा। होनी को कोई नहीं रोक सकता, जो होना था सो हो गया राम, चल कमरे में चल। राजेश ये जो भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे कारण आज शिवरात्रि की पूजा और शादी का शगुन दोनों बिगड़ा है। वंदना इसने शराब पी के रखी थी क्या? नहीं पापा जी। इसकी गलतियों को छुपाना बंद करो तुम। सविता जी ले जाओ इसे यहां से, वरना हम इसे ले जाओ। पापा जी आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं दोबारा कार्ड छपवा दूंगी। अब हमें जल्द से जल्द सब कुछ हर्ष के नाम करना होगा वरना राजेश सब कुछ डुबो के रहेगा। हद है हर्ष, इतनी बड़ी बातों के लेकिन तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारी दादी ने मेरे सबके सामने मजाक उड़ाया और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। तुम चिल्ला कर रही हो, ये बात तुम आराम से भी बोल सकती हो ना, मैं सुन रहा। धीरे धीरे क्यों बोलूं मैं, और धीरे बोलने से क्या हो जाएगा हर्ष? क्या तुम अपनी दादी को उनकी गलती का एहसास करवा सकते हो? अच्छा दादी को छोड़ो, क्या तुम उस जानकी को उसकी औकात दिखा सकते हो? तो तुम्हें क्या लगता है तुम चिल्लाओगी और मैं वो करूंगा जो तुम कह रही हो? देखो हर्ष मेरी बात समझो, ये सब जानकी जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर क्यों करेंगी? क्योंकि तुमने उनको जूते पहनाने के लिए कहा इसलिए, या अपने गंदे कपड़े तुमने उनसे धुलवाए इसलिए? तुमको क्या लगता है श्वेता वो तुमसे बदला ले रही? क्या लगता है? अरे वाह वाह क्या होता है, तुम्हें जानकी के हर दुख और तकलीफ की खबर है, लेकिन आज शादी की रस्म का पहला फंक्शन था मेरा जो पूरा बर्बाद हो गया, उसका कुछ नहीं, एक बार भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकला कि हाँ श्वेता मुझे भी बुरा लगा। जानकी को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तुम्हें उसका हर चीज का हिसाब है। चुप क्यों हो हर्ष, कोई जवाब नहीं है ना? है मेरे पास जवाब, तुम सुन पाओगी? और तुम जानकी जी के बारे में मुझसे इसलिए बहस कर रही हो ताकि मैं ये भूल जाऊं कि तुमने दादी की इंसल्ट कैसे की थी। दादी है वो मेरी, मैं प्यार करता हूं उनसे, इस घर की बड़ी है, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। अगर उन्होंने किसी बात पर हंस दिया मुस्कुरा दिया कौन सी आफत आ गई, क्या करूं? क्या कर उनकी इंसल्ट करूं? कैसा लगा होगा उनको जब उन दोनों ने हम दोनों को साथ में यहां पर देखा था। ये घर है मेरा, यहां पर ये सब नहीं चलता। और तुमने दादी की बातों में से जानकी जी का टॉपिक निकाल दी, तुम्हारे पास इतने रीजंस आते कहां से जानकी जी से नफरत करने के लिए? हर्ष तुम्हें तो सिर्फ मेरी ही गलतियां दिखाई देती हैं। गलतियां हैं तो दिखेंगी ना हर्ष, अगर ऐसे ही शादी होने वाली तो इससे बेटर है कि शादी। शादी क्या, बात कंप्लीट करो, कम ऑन अपनी बात कंप्लीट करो ना, बोलो क्या बोल रहे। शादी ना हो यही यही कहना चाहती हो? हाँ तो ठीक है शादी नहीं करते,
शादी नहीं करते। मैं अभी जाके नीचे बोल रही हूँ। एक मिनट हर्ष, एक मिनट। ये सब हमारी गलती है। आपकी गलती मतलब? हाँ, हमारी गलती है। हमने कार छपवाने का काम अच्छा। राजेश को सौंप दिया और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी लापरवाही कर देगा। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया ना, गलती है गलती हो जाती है। आप रो मत प्लीज। सुन लिया, मिल गया जवाब। क्या और कुछ बाकी है अभी? छोटा रिएक्ट करने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। क्या करिया? श्वेता, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है शादी तोड़ने की बात करने का। तुम्हारा ऐसी बात की ना ये सपने में भी सोचा तो मार डालूंगी तुमको, जान से मार डालूंगी सच्ची में। प्लीज छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं होगा ये। दादी आजा बेटा, बहुत सुंदर है ये, मैंने तेरे लिए रखा है। मुझे मुझे आपसे कुछ पूछना है दादी। हाँ बोल ना बेटा। उस कार्ड के बारे में आपको कुछ पता था क्या पहले से? तुझे लगता है कि ऐसी बेहुदा हरकत मैं करूंगी? नहीं नहीं दादी, देखिए ये मतलब नहीं था हमारा। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो। मैंने तुझे यहाँ रोका है शायद इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने किया, लेकिन बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सच को आप रोक नहीं सकते, वो तो एक न एक दिन सामने आएगा ही, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी गलत बात नहीं करते, भगवान उनके साथ होते हैं। बस तुझे अपनी परीक्षा में खरे उतरना है। भगवान हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो सच्चे होते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है, क्या सोच रही है तू? दादी हम ये सोच रहे हैं क्या करो, हर्षी को सब पता चल जाता, याद आ जाता उन्हें तो हम लोग क्या करते? फिर तो बड़ी समस्या हो जाती। पागल कहीं की, तू सच बता मुझे, अगर हर्ष को सब कुछ वापस याद आ जाए तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा दादी, सच कहें तो जिस दिन हर्षी को सब कुछ याद आ गया ना वो दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हर्षी को उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। अगर उनके स्वास्थ्य पर बात आती है, उनकी जान पर बात आती है तो ठीक है ना दादी, अगर हम जिंदगी भर उन्हें नहीं भी आता है ना तो भी कोई बात नहीं है। हम बस इतना चाहते हमारे हर्षी हमेशा स्वस्थ रहे, हंसते रहे। दादी घर में बहुत सारे काम पड़े, हम कर लेते हैं। हाँ बेटा आप चाय पी लीजिए। जानकी तू देवी है देवी, जो पति तुझे भूल चुका है उसकी सेहत के लिए, उसकी उसकी खुशियों के लिए तू प्रार्थना करती है, और एक वो श्वेता हर्ष के साथ प्यार का ढोंग करती रहती है, जरा भी परवाह नहीं है उसको उसकी। भगवान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जरूर कोई चमत्कार करने वाले हो। क्यों मैं बार बार हर रोज मैं जानकी जी के बारे में सोच रहा हूं? ये गलत है हर्ष, ये गलत है। मैं क्यों सोच रहा हूं उनके बारे में? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने किडनी देकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान, इस दर्द को कैसे सहे हो, अपने पति को किसी और औरत से शादी करते हुए कैसे देखे, नहीं सकते हम कितनी तकलीफ में।
हम तो यहाँ हर्ष जी की रक्षा के लिए आए थे, उन्हें बचाने के लिए आए थे, पर देखिए ना, अब हमारे जाने का समय आ गया है। उसे अब तक पता नहीं चला हर्ष जी का दुश्मन कौन है, कौन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन्हें मारना चाहता है, और अब जा करके भी पता नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें हमें कोई इशारा दीजिए ताकि हमें ये पता चले आखिर वो इंसान है कौन इस घर में। प्लीज भगवान, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। श्वेता के बारे में सोच रहे, तुम भी जानते हो पिछले कुछ दिन कैसे कैसे गुजरे हैं इस घर पर। श्वेता को तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, शादी हो रही है उसकी। एक लड़की के लिए ना शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसको अपने माँ बाप अपना घर छोड़ के एक नया घर नया परिवार सबको अपनाना पड़ता है, इसलिए पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी और उसके साथ साथ कुछ गलत हो तो। मम्मा जो कुछ भी हुआ वो गलत सिर्फ उसके साथ तो नहीं हुआ। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी तो उसी की हो रही है। एक लड़की के ना शादी के बारे में बहुत सारे सपने होते हैं, उसको लगता है कि उसकी शादी एकदम अच्छे से। सोचो अगर उसे लगे कि उसका होने वाला पति उसके सामने किसी दूसरी लड़की की तरफदारी कर रहा हो तो ठीक नहीं लगेगा। नहीं, हम मानते हैं कि जानकी को लेकर तुम्हारे मन में हमदर्दी है, लेकिन बेटा वो हमदर्दी ना श्वेता के सामने बार बार मत जताया करो, अच्छा नहीं लगेगा उसको। प्यार करती है तुमसे, पिछले 5 साल से इंतजार किया है तुम्हारा, इसलिए तुमको भी उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा। एक औरत होने के नाते हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक औरत अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती। ठीक है मॉम, जैसा आप कहें वैसा सही। जानते थे तुम इस बात को समझोगे। अच्छा सुनो, शाम को ना ज्वेलर आ रहा है, तुम और श्वेता अपनी अपनी रिंग्स पसंद कर लो, आज रात को ही तुम दोनों की सगाई कर रही है। और हाँ, इस बार कोई अपशगुन ना हो। जानकी जी, मम्मी जी, जरा ये कार्ड्स कचरे में फेंक दोगी? जी। I'm sorry, हमारे दिमाग से ही निकल गया कि इस कार्ड में तो तुम्हारा लव वापस दो। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, हम फेंक देंगे इसे। नहीं दीजिए, हम सारे कार्ड उठाकर बाहर फेंक दें।
जानकी जी। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।